ओर बढ़ता। महोदय से हम नागरिकों की अपील कि वे अपना पावन संदेश दें। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, साथियों, प्यारे बच्चों, आजादी की 76वीं वर्षगांठ, इस अवसर पर मैं आप सबको हार्दिक बधाई और शुभकामना देता हूं। दिन रात देश की सरहदों की निगरानी करने वाले जवानों को मैं स्वतंत्रता दिवस की विशेष रूप से बधाई देता हूं। मैं सभी स्वतंत्रता सेनानियों और उनके परिवारों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, ये पर्व देश विदेश में सब जगह जन जन द्वारा मनाया जा रहा है। जन जन का ये पर्व, हर मन का ये पर्व, हर भारतवासी के गर्व और गौरव का ये दिन है। पिछले साल हर घर तिरंगा अभियान, इससे पूरा देश तिरंगे के रंगों में रंगा है और इस वर्ष भी पिछले साल की तरह यह अभियान देश भर में चल रहा है। हर गली, हर मोहल्ले में है। स्वतंत्रता सेनानियों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूं। मैं आजादी के लिए मर मिटने वाले ज्ञात अज्ञात शहीदों के प्रति भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। ऐसे जवान जो हरियाणा से भी संबंध रखते हैं, उनका विशेष योगदान निश्चित रूप से याद करने लायक है। न केवल स्वतंत्रता के उस आंदोलन में, बल्कि आजादी प्राप्त करने के बाद 1962 में, 1965 की लड़ाई में, 1971 में भी हरियाणा के जवानों ने अपना कर्तव्य करके दिखाया था। देश की आजादी के लिए अपना जीवन न्यौछावर किया था। आज आजादी पर मरने मिटने वाले ऐसे शहीदों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए मैं राष्ट्रकवि रामधारी दिनकर की पंक्तियां आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। जो अनगिनत लघु द्वीप हमारे, जो अनगिनत लघु द्वीप हमारे, तूफानों में एक किनारे, जल जलाकर बुझ गए किसी दिन, मांगा नहीं स्नेह मुंह खोल, कलम आज उनकी जय बोल, कलम आज उनकी जय बोल। प्रिय प्रदेशवासियों, आजादी का ये पावन पर्व जश्न मनाने जैसा है। निश्चित रूप से हम वर्षों से जश्न मना रहे हैं, लेकिन इसके साथ एक बात भी हमको ध्यान रखनी चाहिए कि आजादी के पूर्व देश का विभाजन हुआ, उस दिन को याद करने का पहले किसी भी सरकार ने ऐसा सोचा नहीं। देश के प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त 2021 को लाल किला की प्राचीर से ये आह्वान किया कि जो लोग देश को आजाद कराने में और इस देश के विभाजन के अवसर पर लाखों लोग शहीद हुए, उनकी स्मृति में हमें विभाजन विभीष का दिवस 14 अगस्त को मनाना चाहिए। कल देश भर में इनको भी उस नाते से याद किया गया। भाइयों बहनों, अपने देश के प्रति लगाव, देशभक्ति की भावना, इस नाते से अनेक कार्यक्रम देश में किए जा रहे हैं। मेरी माटी मेरा देश, इस प्रकार के कार्यक्रम के माध्यम से गांव-गांव में उन वीर जवानों को जिन्होंने शहादत दी, गौरव पट पर शिलालेख उनके नाम ये लिखे जा रहे हैं। देश की आजादी के बाद इस देश में बहुत से बदलाव आए हैं। प्रधानमंत्री जी ने ऐसे कठिन कार्य जो करने बड़े चुनौतीपूर्ण थे उनको एक चुटकी में करके दिखाया है। चाहे कश्मीर में धारा 370 को हटाना हो, 35A को हटाना हो, अथवा भगवान श्री रामचंद्र जी का मंदिर अयोध्या में बनाना हो, ऐसे बहुत से काम प्रधानमंत्री जी ने किए हैं। सैनिकों के हित में 1 रैंक 1 पेंशन इसकी घोषणा की गई, जिससे सैनिकों का एक प्रकार से सम्मान और अधिक बढ़ा है। हम लोगों ने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो 2030 तक लागू करने की बात कही गई है, हरियाणा में हमने उसको 2025 तक ये लागू करने की बात कही है। देश के प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश की सुरक्षा के नाते से कई और कदम उठाए गए हैं, चाहे उसमें सर्जिकल स्ट्राइक की बात करें और चाहे उसमें हमारे गांव की सुरक्षा की बात करें, चाहे समाज जीवन को स्वच्छ करने के नाते से नशा विरोधी इस प्रकार की मुहिम चलाने की बात की गई, और समाज में लिंग संतुलन के नाते से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान लागू किया गया। स्वच्छता ये अभियान भी देश में चलाया गया। देश की आजादी का अपना एक इतिहास हम सबको मालूम है। हम जानते हैं कि इस देश की आजादी ये हमें वास्तव में मिली नहीं है, ये हमारे जवानों ने एक प्रकार से अंग्रेज से ली है, अपनी शहादत देकर के ली है। इसलिए इस आजादी के लिए जो कुर्बानियां हुई, उस कुर्बानी का पहला जो अगर कोई उदाहरण मिलता है तो 18 मई 1957 अम्बाला की धरती पर मिलता है। तो इसलिए हरियाणा का अपना एक योगदान, महत्वपूर्ण योगदान है। ऐसे शहीदों की याद में शहीदी स्मारक, एक बहुत बड़ा स्मृति स्मारक लगभग 25 एकड़ पर अम्बाला छावनी में ये बनाया जा रहा है। भाइयों बहनों, हमने हरियाणा में सैनिक अर्धसैनिक बलों का एक विभाग ये अलग से बनाया है, ताकि सैनिकों के जो परिवार हैं अथवा जो सेवानिवृत्त सैनिक हैं उन सब की देखभाल की जा सके। उनके लिए भी बहुत सी ऐसी सुविधाएं ये हमने उसमें लागू की हैं। भाइयों बहनों, आज ये 77वां स्वतंत्रता दिवस है। मुझे एक प्रसन्नता इस बात की आपको बताते हुए कि मैंने भी आज ये नौवीं बार और ये स्वतंत्रता दिवस का ध्वजारोहण हरियाणा की धरती पर किया है। मैं इस अवसर पर विशेष आनंदित महसूस कर रहा हूं। भाइयों बहनों, हरियाणा के इस फतेहाबाद जिले के भी आसपास के लोगों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। हमको मालूम है धांगड़ गांव के 14 ऐसे जवान इस स्वतंत्रता आंदोलन में अपने जीवन की उन्होंने आहुति दी है, तो उनको भी मैं विशेष तौर पर श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। आजादी के बाद भी हरियाणा का योगदान इस देश के विकास में अत्यधिक रहा है। चाहे यहाँ का किसान हो, चाहे यहाँ का जवान हो, हरियाणा की अपनी महती भूमिका रही है। देश की मात्र 2% आबादी हरियाणा की, 1.3% हमारा क्षेत्रफल, लेकिन जहां तक सेना की सेवा यानी देश की सेवा में सेना का प्रश्न है, इसमें हमारी 10% का योगदान ये हरियाणा ने दिया हुआ है। इसलिए मैं अपनी इस भूमि पर, हरियाणा की भूमि पर गर्व करता हूं। हमारी हरियाणा की भूमि ये गीता की भूमि है। कुरुक्षेत्र में महाभारत के समय भगवान कृष्ण ने जीवन जीने का सार इस प्रकार का गीता का संदेश दिया, और उसी के कारण से हरियाणा आज भी अपने सद्भाव, भाईचारा, शांति, प्रेम, प्यार इसके लिए जाना जाता है। पिछले 9 वर्षों के कार्यकाल का मैं कहूं तो समाज एक स्वार्थपूर्ण वातावरण में यहाँ रह रहा है। हमने हरियाणा एक, हरियाणा में एक, ये नारा सन 2000 में दिया था कि हरियाणा के सब लोग भाईचारे से एक साथ मिलकर के रहेंगे। इसी प्रकार से हरियाणा के समाज के लोगों की सेवा करना ये मेरा धर्म है, और इस धर्म के नाते से बहुत से हमने काम ऐसे किए हैं जिन कामों को लेकर के आज इस समय पर आपको याद कराना आवश्यक है। बहुत से सिस्टमेटिक चेंजेस, व्यवस्था में बदलाव ये हमने किए हैं। व्यवस्था बदलाव को स्वीकार करना थोड़ा कठिन कार्य होता है, लेकिन फिर भी हरियाणा की जनता ने उसको स्वीकार किया है, और आज इस समय मैं दावा करता हूं कि हरियाणा की जनता को जो व्यवस्था में हमने बदलाव किए हैं उसका लाभ निरंतर वो आज प्राप्त कर रहे हैं। आज हमने पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय के बताए रास्ते, अंत्योदय के भाव से हमने काम करना शुरू किया है। ये अंत्योदय के नाते से हम हर व्यक्ति को लाभ पहुंचाने का, खास करके गरीब आदमी को लाभ पहुंचाने का जो बीड़ा उठाया है, इसको पूरा कर रहे हैं। पिछली सरकारें गरीबी हटाओ ये नारा हर समय दिया करते थे, लेकिन बड़ा कष्ट है इस बात को सोच करके कि कभी गरीबी हटाने का काम उन्होंने नहीं किया। हमने सारे समाज के सब परिवारों की फैमिली आईडी बनाकर एक एक व्यक्ति की एक एक परिवार की पहचान की है। जो गरीब परिवार है उसके लिए सरकार ने विशेष योजनाएं बनाई है और उसके नाते से ये जो अमृत काल चल रहा है 25 वर्ष का, इस अमृत काल में हरियाणा ने लोगों के जीवन को आसान किया है। हमने इस अमृत काल में 12.5 लाख नए राशन कार्ड बनाए हैं। 2010 के बाद अगर राशन कार्ड बने हैं तो 12.5 लाख एक साथ ये हमने हरियाणा में बनाए हैं। इस अमृत काल में हमने घर बैठे लोगों को 60 वर्ष की आयु के होने पर उनको घर बैठे पेंशन मुहैया कराई है। किसी को ना दरखास्त देनी पड़ी है, ना दस्तावेज देने पड़ते हैं, ना दफ्तर जाना पड़ता है, घर बैठे उनको पेंशन मिलती है। भाइयों बहनों, इस काल में लगभग 50,000 लोगों को, जो गरीब लोग हैं, उनको काम करने के लिए ये लोन दिलवाने की व्यवस्था हमने की है। इस अमृत काल में 29 लाख लोगों को आयुष्मान भारत और चिरायु हरियाणा का लाभ अभी कल तक हम दे रहे थे। आज से एक नई योजना लागू की है जिसमें 1,80,000 से लेकर 3 लाख रुपए तक की आय वाले परिवारों को भी मात्र आधा प्रीमियम 1,500 रुपया वार्षिक दे करके उनकी रजिस्ट्रेशन आज से खोली है। उनको भी 5 लाख रुपए का लाभ उसी प्रकार से मिलेगा। हमने विद्यार्थियों के लिए इस अमृत काल में 5 लाख टेबलेट बांटे हैं और इतने बड़ी संख्या में टेबलेट बांटने वाला हरियाणा एकमात्र पहला राज्य बना है कि विद्यार्थियों को शिक्षा में उनको सुविधा हो, इस प्रकार का हम काम कर रहे हैं। इस अमृत काल में हमने हरियाणा के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर के नाते, विकास के नाते 20,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट या तो शिलान्यास किए हैं या हमने उसका उद्घाटन किया है। इंफ्रास्ट्रक्चर में देश के अंदर प्रथम स्थान पाने वाला हरियाणा, इसका कोई भी जिला दूसरे जिले के साथ नेशनल हाईवे के साथ जुड़ा है और बहुत बड़े जो हाईवेज बन रहे हैं उन हाईवेज के आधार पर इस देश की आर्थिक प्रगति, यहाँ उद्योग लगेगा, लोगों को रोजगार मिलेगा, इस आशा के साथ इन्वेस्टर्स बहुत बड़ी संख्या में हरियाणा में आ रहे हैं। वैसे वर्तमान में भी हरियाणा की आर्थिक स्थिति एक अच्छी आर्थिक स्थिति ऐसी मानी जाती है। हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत है, हम 2 आंकड़ों डबल डिजिट में हमारी आर्थिक व्यवस्था की जो बढ़ोतरी हो रही है हर वर्ष, ये देश की अर्थव्यवस्था जो बढ़ रही है उससे कहीं ज्यादा है। हमारे यहाँ पर कैपिटा इनकम जो 2014 में 1,38,000 थी, अभी इस समय 2023 में ये बढ़ करके 2,97,000 रुपए प्रतिवर्ष ये मित्रों हो गई है। हमने इसी प्रकार से जो जनता के साथ बदलाव करने के लिए और जनता के साथ सीधा संपर्क लाने के लिए जितने पोर्टल बनाए हैं, उन पोर्टल की आलोचना बहुत हो रही है, लेकिन भाइयों बहनों ये पोर्टल ही हैं जिसके माध्यम से किसान फसल बेचने के बाद पैसा सीधा उसके अकाउंट में जाता है। 50,000 करोड़ रुपया और हमने उनके अकाउंट में भेजा है। बुढ़ापा पेंशन, ये इसी प्रकार का ये जो पोर्टल का ही कमाल है कि उसके खाते में सीधा 2750 रुपया और बैंक में जाता है। अन्यथा उस पैसे में चोरी करने वाले लोग या जो लोग मृत्यु हो गई जिनकी, उनका पैसा खाने वाले एजेंट ये भी मिलते थे। अब वो सब चीजें बंद हो गई हैं। बिचौलिया व्यवस्था को हमने खत्म कर दी है। चाहे ऑनलाइन ट्रांसफर हो, चाहे हमारी भर्ती का विषय हो, सभी चीजें हमने ऑनलाइन सिस्टम से मेरिट के आधार पर की है। पिछले 8 वर्षों में हमने ऐसे 1,10,000 युवकों को और नौकरी दी है बिना खर्ची बिना पर्ची के। इस युग को एक परिवर्तन का युग ऐसा हरियाणा के लोग और ये जानते हैं। व्यवस्थाएं घर तक पहुंचती हैं, जीवन उनका सुखी होता है। एक गरीब आदमी, इसकी बहुत बड़ी चाहत होती है, उसकी सारी तकलीफें जो हैं उसको समाप्त किया जाए। ई गवर्नेंस के माध्यम से, सीएम विंडो के माध्यम से जहां लोगों का जीवन आसान हुआ है, वहां भ्रष्टाचार के ऊपर भी लगाम हमने लगाई है। आज जो भ्रष्टाचारी लोग बहुत तरह के सिस्टम खोजे हुए थे, अब वो सब परेशान हो गए हैं, सब बेरोजगार हो गए हैं और इसी के कारण से उनके आका इस बेरोजगारी का जो आंकड़ा है वो निरंतर बढ़ा बढ़ा के बताते हैं, क्योंकि उनके सब चहेते, उनके निकट रहने वाले लोग वो उनके कान भरते हैं बेरोजगारी बहुत हो गई है। वरना हमारे यहाँ काम करने की क्षमता रखने वाले हर व्यक्ति को, चाहे सरकारी नौकरी, चाहे प्राइवेट नौकरी, चाहे उसका स्वयं का रोजगार, इसके करने के अवसर ये हमको दे रहे हैं। गरीबों को सरकारी नौकरी में 5 अतिरिक्त अंक ये देने की व्यवस्था भी हमने की है। और इसके लिए बहुत से गरीब परिवार जिनके घर में एक भी नौकरी नहीं है, ऐसे लोगों को भी प्राथमिकता ये दी जाती है। बच्चों की पढ़ाई के लिए हमने चिराग योजना शुरू की है, जिसके अंदर गरीब परिवार के बच्चे यदि सरकारी स्कूल की बजाय प्राइवेट स्कूल में बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं तो उनकी फीस ये सरकार अदा करेगी। मित्रों, भाई बहनों, इसलिए ये सब विषय हमने लागू किए हैं। जहाँ तक पेंशन की बात है, पेंशन के नाते से गरीब परिवार को तो पेंशन मिलती है। हमारी बहनें जो विधवा हो गई उनको पेंशन मिलती है, लेकिन एक मांग बहुत दिनों से उठ रही थी कि ऐसे पुरुष जिनकी पत्नी का देहांत हो गया उनकी भी कुछ मदद करनी चाहिए। हमने सोच विचार करके ऐसे जो हमारे विडोवर हैं, जिनको विधुर कहते हैं, ऐसे 40 साल से ऊपर के सब विधुर, इनके लिए भी पेंशन देनी शुरू की है। जो व्यक्ति किसी कारण से अविवाहित रह जाता है, पुरुष है अथवा महिला है, 45 साल की आयु के बाद उसको भी पेंशन का हकदार बनाया है, ताकि वो भी समाज में अपना सम्मानित जीवन ये जी सके। हमने किसानों के सिस्टम को ठीक करने के लिए मेरी फसल मेरा ब्यौरा ये एक पोर्टल बनाया है, जिसमें से हर किसान बता देता है कि मैंने कितनी जमीन पर कौन सी फसल बुआई की है, ताकि उस फसल की खरीद के समय किसी प्रकार की कठिनाई उनको ना आए। इसी प्रकार कल को कोई खराबा हो जाता है उसको भी हम उसके माध्यम से भावांतर भरपाई योजना अथवा अन्य मुआवजा ये उसको दे सकते हैं। भाव यदि कम मिलता है तो भावांतर भरपाई योजना हमने फसलों के लिए, फलों के लिए, बाजरा के लिए, सूरजमुखी के लिए कई फसलों पर लागू किया है और इस योजना से किसान जो है बहुत प्रसन्न है। इसी प्रकार हमने किसानों के लाभ के लिए जहाँ डीबीटी का पैसा उनको भेजते हैं वहां पर भावांतर भरपाई योजना के साथ, मुआवजे के साथ मेरा पानी मेरी विरासत, इसमें भी 7,000 रुपया प्रति एकड़ किसान को दिया जाता है। डायरेक्ट सीडिंग ऑफ राइस, इसमें भी 4,000 रुपया प्रति एकड़ किसान को ये दिया जाता है। किसान यदि फर्द मांग की इच्छा करता है, उसकी फर्द की आवश्यकता होती है, एक क्लिक में CSC पर जाकर और अपनी उस फर्द जो है वो ले सकता है, जिसको लेने के लिए उसको महीने ये लगते थे। जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए हमने इसमें भी बहुत सी योजनाएं बनाई हैं, खास करके जो हमारा जो नैनो छिड़काव, ड्रोन का सर्वे, सॉइल हेल्थ कार्ड और इस प्रकार का जो हमारा केमिकल खादों से दूर रह करके अगर वो जैविक खेती पर आता है तो गाय पालने के लिए अनुदान, ये सब चीजें उनके लिए हमने की हैं। जहां तक उद्योग का विषय है, मित्रों, उद्योग के नाते भी हमारे यहाँ उद्योग के लिए एक जो कार्यक्रम चला हमारा, जो हमारा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भी हरियाणा जो है वो 3रे रैंक पर आ गया देश में। इसलिए इन्वेस्टर्स जो निवेशक हैं, उद्योगपति हैं, उनका उद्योग करने का मन हरियाणा में बाकी प्रदेशों की तुलना में हरियाणा उसको प्रथम चॉइस ये उसकी बन गई है, जिसके कारण से पिछले इस कार्यकाल में 50,000 से ज्यादा लघु उद्योग वो हरियाणा में लगे हैं। बड़े उद्योग, मारुति जैसे उद्योग भी जिनकी चर्चा हमेशा रहती है कि हरियाणा को छोड़कर कहीं जा सकते हैं, उनको भी अभी उन्होंने हमारा 1,000 एकड़ जमीन के ऊपर लगभग 20,000 करोड़ रुपए की लागत से नया प्लांट वो लगाने जा रहे हैं। तो मित्रों, ये सब बातें मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि हरियाणा की प्रगति पिछले 8 साल में जितनी हुई है, 9 साल में जितनी हुई है, ये पहले कभी नहीं हुई। हमने इन 9 सालों में हरियाणा के कांग्रेस के 10 साल के कार्यकाल की तुलना में विकास के काम डबल किए हैं और खर्चा उससे आधा किया है। करप्शन को दूर करते हुए इस आधे खर्चे में डबल काम करने का हमारा जो विषय है वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। भाइयों बहनों, एक नई योजना हमने बनाई। गरीब के परिवार में यदि किसी की मृत्यु हो जाती है और खास करके अगर कमाने वाला कोई व्यक्ति 25 साल से 45 साल के बीच का आयु का व्यक्ति कोई चला जाता है, कारण कुछ भी हो, उस गरीब परिवार को हमने 5 लाख रुपया नगद उसको अनुदान एक प्रकार से देने की बात की है, ताकि उसके परिवार का गुजारा वो ठीक से हो सके, ऐसा भी हमने किया है। जहाँ तक शहरी और नगरीय क्षेत्र में स्वामित्व की बात है, ये स्वामित्व का विषय भी जिन लोगों के पास 50 साल से 60 साल से इससे भी ऊपर लोगों के पास नगर पालिका की दुकानें थी अथवा कोई ऐसी जमीनें थी जिसका उनके पास एक किराए नामे का या कोई भी सबूत उनके पास कब्जे का था, उनको कुछ राशि लेकर के स्वामित्व का अधिकार उनको दिया है। ऐसे ही गांव में लालडोरा, इस लालडोरा में उनके पास स्वामित्व का अधिकार नहीं था, हमने उसको खत्म करके और लाखों लोग परिवारों को उनकी प्रॉपर्टी, उनका घर मकान, उसका मालिकाना हक ये हमने दिया है और इस पर इससे भी हमारे लोग बहुत प्रसन्न हैं। जहाँ तक गांव के विकास की बात है, हमने 5700 गाँव में फ्री बिजली नहीं कह सकता मैं, 5700 गाँव में 24 घंटे बिजली ये हमने दी है। कभी किसी सरकार ने 24 घंटे बिजली का जो दावा कभी किया भी नहीं, और किया तो ज्यादा एक बार 125 गाँव वो 24 घंटे बिजली पर आए थे। आज हमारे 80% से ऊपर गांव ये 24 घंटे बिजली पर आ गए हैं। 6000 गांव में हमने इंटरनेट व्यवस्था ये उपलब्ध कराई है। आज आईटी के जमाने में गांव के हर युवक को, हर नागरिक को इंटरनेट की आवश्यकता होती है, तो 6000 गांव में हमें ये भी उपलब्ध कराया है। गांव का कोई भी व्यक्ति अपनी मांग को ग्राम दर्शन के माध्यम से हमारे पास भेज सकता है, उसके विकास की कोई की हुई मांग इसको हम पूरा करते हैं। इसी प्रकार नगरों में भी प्रॉपर्टीज के झगड़े समाप्त करने के लिए हमने प्रॉपर्टी आईडी ये बनाने का जो काम किया है, इसमें थोड़ी पेचीदगियां आई हैं हमको, लेकिन उनको सबको दूर करने का हमारा संकल्प है। आने वाले कुछ समय में ये सारे जो प्रॉपर्टी आईडी के विवाद हैं इनको हम समाप्त करके हर किसी को उसकी प्रॉपर्टी का सही, या तो मालिक है अथवा किराएदार है, उसका जो सही लेखा जोखा उसको मिल जाएगा। नगरों के चुनाव में एक बहुत बड़ा परिवर्तन हमने किया। जो हमारे मेयर चेयरमैन हैं उनका सबका चुनाव पहले पार्षदों के द्वारा होता था, अब हमने उसको डायरेक्ट चुनाव किया है। इसके कारण से भ्रष्टाचार की बहुत बड़े एक सिस्टम पर ब्रेक लगी है। शहरों में भी नगर दर्शन ये हमने शुरू किया है। स्मार्ट सिटीज, कई स्मार्ट सिटीज में विशेष ध्यान देकर के उनका जो हमने विकास किया है, चाहे वो गुरुग्राम है, फरीदाबाद है, करनाल है, पंचकुला है, ऐसे शहरों पर विशेष ध्यान दिया गया है। आने वाले समय में और भी शहरों को उसी तर्ज पर एक विकसित करने के नाते से योजना बनाई जाएगी। स्पेशल डेवलपमेंट अथॉरिटीज, चाहे गुड़गांव में GMDA हो, फरीदाबाद में FMDA हो, पंचकुला में PMDA हो, और इसी तर्ज पर आगे हम हिसार में भी हिसार म्यूनिसिपैलिटी डेवलपमेंट अथॉरिटी ये भी बनाएंगे, तो इस नाते से उनको काम करने का एक स्वतंत्र अवसर मिलेगा। जहां तक सुरक्षा का विषय है, हमारी पुलिस ऐसी है कि जो बहुत बदस्तूर लोगों की सुरक्षा करने में सक्षम है, और इसमें हमने विशेष प्रावधान जैसे 112 की व्यवस्था की है। उसमें हमारी जो गाड़ियां किसी को संकट पड़ने पर अगर उसको एक पैनिक बटन दबा देता है तो एवरेज 10 मिनट के अंदर कोई भी पुलिस की गाड़ी उस टुकड़ी के साथ वहां पहुंच जाती है, उसकी सुरक्षा करती है। महिलाओं की सुरक्षा के लिए महिला थाना और ऐसे ही साइबर क्राइम जो बढ़ गया है, हर थाने में हमने और साइबर डेस्क ये बना दिए हैं। कुछ जिलों में साइबर थाने ये भी बनाए गए हैं। पिछले दिनों में हरियाणा के एक क्षेत्र के अंदर साइबर क्राइम का बहुत बड़ा एक नेटवर्क जो बना हुआ था उसको हमने तोड़ा है। अब कोई भी इस प्रकार का अपराधी होता है, चाहे वो नशे में लिप्त है अथवा साइबर क्राइम है अथवा अन्य प्रकार का क्राइम करता है, उनकी प्रॉपर्टीज को कुरक करते हैं और उनको कुरक करने के बाद उनको सबक सिखाया जाता है, उनको जेल के अंदर डाला जाता है, ताकि किसी भी क्राइम के ऊपर उनको जो है आगे बढ़ने का मौका न मिले। जो संगठित अपराध होते हैं उनके लिए भी हमने कानून बनाया है। हरकोका के माध्यम से जो संगठित अपराध के ऊपर ये नकेल कसी जाएगी, इसको हमने पास किया है। केंद्रीय अनुमति के लिए ये राष्ट्रपति महोदय के पास गया हुआ है। गोरक्षा का सुरक्षा का कानून ये हमने बनाया है, और इसमें भी 10 साल तक की सजा गोहत्या पर ये हमने लागू की है, तो इस पर भी बहुत बड़ा काबू एक कंट्रोल हमने किया है। धर्म परिवर्तन जो लोग करते रहे हैं, जो करवाते रहे हैं, करने के बजाय धोखे से जबरदस्ती किसी का धर्म परिवर्तन कराते रहे हैं, उनके ऊपर भी हमने शिकंजा कसने के लिए और एक कानून बनाया है। इस नाते से ये सारी चीजें आपके सामने इसलिए रखी हैं कि हरियाणा जहां आज से कुछ साल पहले जिसकी छवि हरियाणा की बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन आज चाहे वो सामाजिक सुरक्षा हो, चाहे आर्थिक आधार पर बातें हो, युवा की बात हो, खेलों की बात हो, आर्थिक आधार पर जैसा भी जीएसटी जब से लागू हुआ है, जीएसटी की कलेक्शन हरियाणा में बड़े राज्यों में प्रति व्यक्ति कलेक्शन ये सर्वाधिक हो गई है मित्रों भाई बहनों। तो इससे हमारे जो आर्थिक तंत्र है ये बहुत मजबूत हुआ है। हमने इसमें समाज के आवश्यक आने वाली जो चीजें हैं उसको भी आगे बढ़ाया है। जहां तक सामाजिक सुरक्षा पेंशन की बात है, 27,500 रुपया हरियाणा में सर्वाधिक पेंशन ये पूरे देश में ये लोगों को दी जाती है। ये भी आपके लिए मैं एक जानकारी के लिए बता रहा हूं। इतना ही कहना चाहूंगा कि आने वाले 25 सालों में देश की आजादी की जब 100वीं वर्षगांठ 2047 में मनाई जाएगी, उस समय हरियाणा का स्थान पूरे देश में सर्वोच्च होगा, ऐसा मैं दावा करता हूं। आज इस अवसर पर पुनः स्वतंत्रता इस दिवस पर आप सब लोगों को, जो हमारे सेनानी और पूर्व सेनानी उनके जो परिवारजन यहाँ आए हैं, यहाँ जो बच्चे स्कूलों के बैठे हैं, अन्यथा जो उपस्थित लोग यहाँ हैं, उनको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। हृदय से आभार महोदय आपके संबोधन में।